नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। तुम्हारे लगी दिखाना जरा कहाँ लगी है? खून के हाथ लाल हो रहे हैं, खून से दे दो। ये चलाई किस लिए तीनों ने गोली? किस बात पर चलाई है? गोली मार दूंगा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार सुबह सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का कोर्ट में तैनात नागालैंड पुलिस कर्मी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के दौरान नागालैंड पुलिस के एक सुरक्षा कर्मी से गोली चल गई। हालांकि कोई भी इसमें हाथाहाथ नहीं हुआ है। वहीं पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का वहां तैनात सुरक्षा कर्मी से विवाद हो रहा था। यह पूरी घटना कोर्ट के गेट नंबर 5 की है। रोहिणी कोर्ट के निषेध गेट से एक शख्स परिसर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ने के कारण दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई और इस दौरान गोली चल गई। वहीं गोली कैसे चली है इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गोली चलने की घटना पर दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मी ने फायरिंग की थी। इसमें किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार दिल्ली के कोर्ट में गोली चलने की खबरें सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।